लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसे दूसरी सेल में बंद कर दो। ले, रख अपने पाप की कमाई। जरा होश की दवा करो विशाल। जिंदगी में पहली बार होश में आया हूं और होश की बात कर रहा हूं जसवंत राय। तुम्हारे इस खूनी बेटे को जब तक मैं फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा देता, चैन की सांस नहीं लूंगा। वत्स प्रताप राय, लगता है ये कल तुम्हें अंदर कर देगा। अवश्य अवश्य, क्या यही है तुम्हारा भविष्य? अवश्य अवश्य, यही तो है मेरा भविष्य। बेटे, ये इंस्पेक्टर बड़ी समझदारी की बातें कर गया। अब इसे कुछ ऐसे अंदाज में समझाना पड़ेगा इसके सोचने समझने की शक्ति ही मर जाए। भैया भैया, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे भैया, 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 नहीं, नहीं। तुमने ढेर सारे नोट लेकर केस तो बंद कर दिया और आज आज उन्हीं लोगों ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी है। तुम्हारे किए की सजा मुझे मिली। भैया, मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, इसलिए अब इंस्पेक्टर विशाल को पता चलेगा कि अपनों का दर्द कैसा होता है। इसे कहते हैं ऊपर वाले का इंसाफ, जैसी करनी वैसी भरनी। इंस्पेक्टर विशाल को उसकी रिश्वतखोरी का इनाम मिल गया। और हाँ अर्जुन, दारू के अड्डे पर मैंने खुद सुना है कि विशाल प्रताप के बाद नारायण स्वामी का भी कत्ल कर देगा। लेकिन वो उसे क्यों मानना चाहता है? क्योंकि प्रताप हर काम नारायण स्वामी की सलाह से ही करता है। तुम्हारे भाई का कत्ल और विशाल की बहन का बलात्कार दोनों उसी के कहने पर हुआ था, इसलिए विशाल उन दोनों को मार देना चाहता है। नहीं, मेरे भाई की हत्या के जिम्मेदारों का अंत
मेरी लकीरों में लिखा हुआ है। मेरे सिवा उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। मैं मिटाऊंगा उन्हें, मैं। मैं जानती हूं तुम अपनी जान से ज्यादा अपनी बहन को चाहते थे। तुम्हारे दुख में मैं तुम्हारे साथ हूं विशाल। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर तो आज मैं कहूंगा कि तकदीर बड़ी बेरहम है, मगर साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा कि इस हादसे की वजह क्या है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? कोई तुम्हारा दुश्मन? मैं तुम्हारी आंखों में एक जलती हुई आग देख रहा हूं विशाल, इसीलिए श्रद्धांजलि के साथ साथ एक सलाह भी देने आया हूं। इंतकाम के जोश में कहीं भटक मत जाना, क्योंकि बदले की आग में इंसान सिर्फ मुजरिम बनता है विशाल, और मुजरिम कानून का शिकार बन जाता है। हेलो नारायण स्वामी, मैं राजू बोल रहा हूं। बोल बोल, सुंदरता का कोई नया राग सुनाना है वत्स? हाँ। ओहो, अवश्य अवश्य। तो फिर जल्दी प्रताप राय के गेस्ट हाउस पर आ जाओ। अवश्य अवश्य, यही तो है हमारा भविष्य। नहीं नहीं विशाल, अवश्य अवश्य, चमक गया मेरा भविष्य। कहाँ है रे मेरा पटाखा? अरे कहाँ है रे मेरा अनार? ओ कहाँ है मेरी फुलझड़ी? अरे आ जा री, आ गई। फुलझड़िया बहुत जला ली तूने, आज तुझे चलना है। जिंदा जिंदा चला दूंगा तुझे। अवश्य अवश्य, पर ये नहीं है मेरा भविष्य। अवश्य अवश्य, यही है तेरा भविष्य। मेरे कल को जलाकर राख करने वाले तू कल की सुबह देख पाएगा? नहीं, जब तक मैं तेरी चिता का धुआं नहीं देख लूंगा, ये जिंदगी जहर में डूबे तीर की तरह मेरे कलेजे में चुपती रहेगी। नहीं नहीं विशाल विशाल, मैं तेरा भविष्य बना दूंगा। अवश्य अवश्य बना दूंगा तेरा भविष्य। बच गया। अर्जुन, मिला तुम? हाँ अर्जुन, ये तुम्हारे लिए। ये देखो अर्जुन, इसमें छुपा है तुम्हारी आजादी का परवाना।
अभी तुम यहां से निकलो और बाहर मेरा इंतजार करो। मीना चलो वेटर पूरी एक बोतल विस्की लेकर आओ दो पैग और मैं पीऊंगा अवश्य अवश्य डुबो दूंगा शराब में मेरा भविष्य अवश्य अवश्य बारमैन बना दूंगा तेरा भविष्य जियो मजा आ गया तो भविष्य बन गया अरे बचाओ रे अरे कोई है क्या आ, 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 आ,